मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड को लेकर झारखंड में भी माहौल गर्म है। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय के घेराव को लेकर रांची के कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है। आपको बता दें कि पीड़ित आदिवासी दशमत रावत को मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा भी दिया है। सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए देने की बात कही है। इसके बावजूद भी अभी माहौल शांत लेने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। इसको लेकर रांची सिटी एसपी ने क्या कहा, सुनिए। कुंडी से भी जिला बल बुलाया गया है, आईआरबी का काफी जवान बुलाया गया है। पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, ट्रैफिक व्यवस्था जो यहाँ की है वो सुचारू रूप से चलती रहे, किसी भी आमजन को कठिनाई ना हो। और उनसे भी यही अपील करी जाएगी पुलिस के द्वारा कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपना जो उनको लोकतांत्रिक तरीके से जो भी उनको धरना प्रदर्शन करना है वो अपना करें, बट उनके धरना प्रदर्शन से किसी और को तकलीफ ना हो वो भी ये ध्यान रखें। वाटर कैनन वगैरह जी, वाटर कैनन भी है, फायर ब्रिगेड भी है और टीयर गैस पार्टी भी है, और बाकी इंस्पेक्टर्स का भी डेप्यूटेशन हुआ है, डीएसपी का भी डेप्यूटेशन हुआ है, तो पुलिस का तरफ से और मजिस्ट्रेट्स भी काफ़ी, जैसे सीओ नगर भी लगाए गए हैं और वीडियोग्राफर वगैरह भी है, तो पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, नहीं ऐसा कोई चीज़ का परमिशन नहीं दिया गया। यहाँ पे 2 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, 4 इंस्पेक्टर रैंक के हैं, बाकी रैप 3 और रैप 4 आया हुआ है, और बाकी आईआरबी के जवान आए हुए हैं, खूंटी से भी बल मंगवाया गया है, तो काफ़ी भारी मात्रा में डेप्यूटेशन है, अराउंड 200 पीपल यहाँ पर है। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।